तो गाइस अगर आपको भी मेरी तरह फन एक्टिविटीज करने में और एडवेंचर करने में बहुत मजा आता है तो आज की वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए होने वाली है। वेलकम टू द जयपुर चीपेस्ट ट्रैम्पोलिन पार्क। चलते हैं और साथ में मिलके एक्सप्लोर करते हैं। तो भैया प्राइस क्या है यहाँ का, वो आप एक बार मुझे एक्सप्लेन कर दो वीडियो में अच्छे से। भैया अपना पूरा के फन एडवेंचर पार्क है, इसकी जो अपने किड्स की जो प्राइस है बिलो 5 ईयर जो किड्स है उनके 400 एंट्री टिकट्स है, 400 इंक्लूडिंग ग्रिप सॉक्स जिसमें आप पूरी एक्टिविटीज अंदर प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई चार्ज नहीं है। एडल्ट्स का चार्ज है जिसमें 700 पर 60 मिनट्स का जो स्लॉट है वो 700 उसका चार्ज है। उसमें भी हम इंक्लूडिंग ग्रिप सॉक्स देते हैं, ये जो ग्रिप सॉक्स है वो पहन के आप 60 मिनट्स तक पूरा आप पूरी राइड्स अंदर आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं, पूरा एंटरटेन कर सकते हैं, पूरा फन कर सकते हैं सारी राइड। ये भी आपका टिकट, ये जो है हमारा टिकट आ चुका है और साथ में आपके ग्रिप सॉक्स। अच्छा भैया इसकी ग्रिप सॉक्स की क्या वैल्यू है वैसे? ये 50 रुपये पेयर चौक सॉक्स जो है इसका कॉस्ट 50 रुपये पेयर। तो यहाँ पे अपने पास फ्री है 50 रुपये पेयर। हम लोग जो इंक्लूडिंग हमारी अभी एंट्री टिकट्स है उसके अंदर हम लोग एंट्री टिकट्स में ही ये ग्रिप सॉक्स इंक्लूड दे रहे हैं। तो आपको जो है अलग से जो है सॉक्स बाय करने की जरूरत नहीं है, आपकी जो टिकट प्राइस है उसी में जो आपके जो है सॉक्स इंक्लूड है। तो फटाफट से इन सॉक्स को पहनते हैं और अंदर जाके अपन फन करते हैं। तो सॉक्स पहन के हम जो है रेडी हो चुके हैं। पर्सनली मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने आज से पहले मैंने ट्रैम्पोलिन पार्क कभी नहीं गया मैं, या जयपुर में या जयपुर से बाहर कभी भी जो है मैंने ऐसी फन एक्टिविटीज़ नहीं की। और अगर आपने भी नहीं की तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आ जाओ गाइस। तो ये है जयपुर का सबसे सस्ता ट्रैम्पोलिन पार्क। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वहाँ एंड में जाके ख़त्म हो रहा है और वो भी एंड तक बिल्कुल। इतना बड़ा ये ट्रैम्पोलिन पार्क है और यहाँ पे लगभग 20 एक्टिविटीज़ है फन की। तो बारी बारी अपन जो है सारी एक्टिविटीज़ करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिविटीज़ कौन सी लगी। तो आप लोगों को मेरे पीछे दिख रही होगी एक बुल जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजर लग रही है। और ये वाली राइड आपको पता होगी यार, इसमें मतलब बैठना है बीच में और जितनी देर तक आप कंट्रोल कर सकते हो कंट्रोल कर लो, अगर आप गिर गए तो आप आउट हो गए। नो 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 तो अभी हम आ चुके हैं नई राइड पे, एक नई एक्टिविटी पे। और आप लोग देख सकते हो ये एक्टिविटी जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे जो है आपको पहले तो सेफ्टी के लिए पूरी हार्नेस वगैरह पहनाएंगे। तो भैया एक बार आप थोड़ा बता दो कैसे गया। तो मैं रेडी हो चुका हूँ नई एक्टिविटी के लिए और मैं बता दूँ आपको इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है। एक एक स्टेप लेके जो है ऊपर जाना है यहाँ पे। और ये कितना फीट होगा भैया? 10 से 15 फीट इसकी हाइट है। वहाँ ऊपर से देखो, वहाँ से जो आपको नीचे कूदना है सीधे। यार सच में यार मज़ा आ गया यार, ये वाली एक्टिविटी ज़रूर ट्राई करना। अगर किसी को हाइट से फियर हो ना तो एक बार तो भाई ट्राई करना, मज़ा आ जाएगा सच में यार। जैसे कि आपको बताया था स्टार्टिंग में ये जो ट्रैम्पोलिन पार्क है इसमें किड्स की भी एक्टिविटीज़ है। तो अभी हम आ चुके हैं किड्स जोन में और इधर आप लोग देख सकते हो ये जो है पूरा जो है सॉफ्ट प्ले एरिया बना रखा है बच्चों के लिए, जिनके एज 5 से लेके 7 साल के बीच में है वो यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो। इधर ये सारी स्लाइड्स बना रखी है, मतलब काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है। तो अगर बच्चे वीडियो देख रहे हैं और अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर आपको बच्चों को लेके आना है यहाँ पे एक्टिविटीज़ के लिए तो ज़रूर लेके आ सकते हो आप। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ अभी आई नहीं जो अब आने वाली है। ये जो एरिया देख रहे हो आप वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे जो है आने वाले टाइम में यहाँ पे पूरा जो है ये गेमिंग का बनने वाला है, जहाँ पे पीसी गेमिंग और जितनी भी जो गेमिंग होती है अलग अलग टाइप्स की वो यहाँ पे ओपन होने वाली है। तो बच्चों के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे फ्यूचर में आने वाली है। तो लग रहा होगा यहाँ पे अभी तक क्राउड क्यों नहीं है, कोई आया क्यों नहीं। एक तो हम बहुत अर्ली मॉर्निंग में आए हैं, प्लस ये प्लेस जो है अभी अभी ओपन हुई है। और आपको पता है आपका ये डूड सबसे पहले आपके लिए वीडियो लाता है कोई भी नई प्लेस की। तो यार इसी बात पे मेक श्योर वीडियो को लाइक करना और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जो है
ऑब्जर्व कर लेना। तो अभी फिलहाल चलते हैं इस एक्टिविटी पे, और इसमें आप लोगों को पता ही होगा आई गेस, एक बार जंप करना है और एक बार नीचे बैठना है, तो ट्राई करते हैं। पर तो आ चुके हैं हम नई एक्टिविटी की ओर, और ये वाली एक्टिविटी आई गेस आप लोगों ने देखी होगी बहुत जगह। इसमें अपन को रन करके उस वाले पाथ पे जाना है, और ये रोल अगर हल्का सा भी घुमा तो हम सीधे नीचे जाएंगे, और नीचे गिनने में ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। जितना आपको कंप्लीट करने में मज़ा नहीं आएगा ना, उतना गिनने में मज़ा आएगा। तो ट्राई करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है हमारी बास्केटबॉल की है, और बास्केटबॉल में ऑफकोर्स गोल करना है, बास्केट करना है, सामने नेट है। और बट एक ट्विस्ट जो है यहाँ पे ये है, आपको जो है ट्रैम्पोलिन पे जंप करते हुए बिल्कुल क्रिश मूवी देखी होगी ना, ऐसे उड़ते हुए जाना है और बास्केट करना है। तो लेट्स ट्राई, हो पाता है या नहीं। एक एक्टिविटी मेरे को यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग मिली, बट वो एक्चुअली किड्स के लिए है। आपके साथ किड्स आ रहे हैं, तो आप उनको ये जो है आउटफिट पहनाओ और सीधे जो है यहाँ पे ऐसे चिपका दो। तो तैयारी कितना तगड़ा लगेगा, मतलब यार ये वाली एक्टिविटी तो मस्त है। बट अभी कोई बच्चे नहीं है यहाँ पे, अदरवाइज अपन जो है ट्राई करते। एक्टिविटी ना जो काफ़ी फन है भाई, काफ़ी फन अब तक की बेस्ट लगी। इसमें पता है क्या, ऐसे रन करते हुए जाना है। आप रुको, मैं आपको ट्राई करके बता दूँ एक्चुअली करना क्या है। आपको लगता होगा यार एक घंटा तो बहुत कम ड्यूरेशन है, बट रियलिटी में आप आधे घंटे में बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाओगे, बहुत ज़्यादा थक जाओगे यार, बहुत ज़्यादा सच में। अभी भी मेरी 4 एक्टिविटीज़ रिमेनिंग है, तो फटाफट से कंप्लीट करते हैं, बाकी मज़ा काफ़ी आ रहा है। एक ना एक बार ज़रूर ट्राई करना यहाँ पे आके। और मैं बता दूँ प्राइस जो है काफ़ी कम है, अगर आप कोई और ट्रैम्पोलिन पार्क से कंपेयर करोगे तो काफ़ी कम है। भैया ट्राई करने वाले ही वाली राइड चलते हैं भाई। भैया जय श्री राम, जय श्री राम। अरे यार ये वाली राइड काफ़ी फन है यार, मतलब मेरे को ट्राई करनी थी, बट यार मेरे को डर लग रहा है काफ़ी ज़्यादा इस वाली राइड में पर्सनली, और कोई इसमें भी नहीं लगा, बट इसमें पता नहीं क्यों डर लग रहा है इतना ज़्यादा यार। वीडियो की क्वालिटी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना, क्योंकि यहाँ पे जो है लाइट कम है, तो मतलब जिससे आप पूरी वाइब ले पाओ। तो अभी जो है सेकंड लास्ट राइड पर अपन आ चुके हैं, और यह है डोनट राइड जो कि मेरी सबसे फेवरेट है। तो आपको ऊपर से जो है भैया ट्यूब में बैठा के स्लाइड करवाएंगे, और सीधे आप जो है यहाँ पे जाके लैंड करोगे, मतलब यार बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेट्स सी, ट्राई करते हैं। भाई क्या स्पीड थी ज़िपलाइन की यार, मतलब मैंने ज़िपलाइन और भी जगह ट्राई किए, बट स्पीड थी ना यहाँ की काफ़ी मस्त स्पीड थी, बहुत मज़ा आया भाई। एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को यहाँ की, ज़िपलाइन आपकी दो बार है, एक बार आप वहाँ से आओगे यहाँ पे, और देन उसके बाद वापस टॉप पे जाओगे, और यहाँ से जो है वापस जाओगे उधर। मतलब यार इतने सस्ते में आपको इतनी सारी एक्टिविटीज़ मिल रही है ना, पैसा वसूल जगह, पैसा वसूल। चलते वापस उधर और लेट्स गो। 1 2 यार आप लोग यार वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते यार, वीडियो को लाइक कर दो यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो कहाँ से कूद रहा हूँ, कितनी ऊपर से कूद रहा हूँ, ये देखो सीधे। ओह
भाई क्या मज़ा आ गया यार, मतलब पैसा वसूल जगह, एक बार तो ज़रूर आना। और अगर राइड्स करने के बाद आप लोग थक गए, एनर्जी नहीं रही, तो डोंट वरी, यहाँ पे जो है एक अच्छा सा कैफेटेरिया बना रखा है, तो यहाँ पे आके आप अपना फूड एंजॉय कर सकते हो, आप खुद का लंच बॉक्स ला के यहाँ पे आके आप बैठ के खा सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो और जो भी आपको खाना हो वो आप बनवा के यहाँ पे बैठ के आराम से मस्त एंजॉय कर सकते हो। तो हाँ जी ड्यूड, आई ना वीडियो पसंद, तो प्लीज़ यार मेक श्योर वीडियो में जो भी पार्ट आपको पसंद आया हो ना वो कॉमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब बात कर लेते हैं एड्रेस की, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मैप की लिंक मिल जाएगी। अभी जो हूँ मैं हूँ अक्षय पात्र रोड जगतपुरा, तो ये प्लेस जो है जयपुर सिटी से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है, तो आप इजीली यहाँ पे आके अनलिमिटेड मज़ा उठा सकते हो इस प्लेस का, काफ़ी अच्छी जगह है और पैसा वसूल जगह है। वन मोर थिंग, काफ़ी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो जिससे मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ लाता रहूँ।